सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज का सीन ऐसा है कि आज भी भाई व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट शुरू हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं। और रीज़न ये है कि भाई पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा चांदनी चौक गया था ना मैं, तो भाई वहाँ से आके बहुत ज़्यादा थक गया था। तो इसलिए भाई मैंने फिर कल एडिटिंग नहीं करी, मैंने आज सुबह बैठ के एडिटिंग करी और अपलोड करा उसे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और अभी गाइस फिलहाल 11:30 बज रहे हैं और मुझे मैंने सुबह से चाय नाश्ता कुछ नहीं किया, घर पर चलता हूँ, देखता हूँ चाय नाश्ते में क्या है, मतलब चाय तो होगी, नाश्ते में देखता हूँ क्या है। फिलहाल अभी गाइस खाने में है पास्ता और मैक्रोनी, दोनों मिक्स करके बनाई है, तो जल्दी से इससे पहले मैं खा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फिलहाल गाइस अभी बज रहे हैं 1 और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और सुबह मैंने पास्ता खाया था और अब मुझे दोबारा भूख लग रही थी, मैं जल्दी से जाता हूँ चेक करता हूँ अब खाने में क्या है। और यार 11 बज रहे हैं और धूप देखो कितनी हो रही है, ये देखो कितनी धूप हो रही है, मतलब इस धूप में खड़ा ही नहीं होया जा रहा, मैं छाँव में खड़ा हूँ, देखो इधर पेड़ के नीचे खड़ा हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। फिलहाल गाइस अब खाने में है छोले, उसके साथ साथ कुलचे और रायता, तो भाई मज़ा ही आ गया, आज तो पार्टी हो गई पूरी अच्छी वाली, तो इसे खाता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। फिलहाल गाइस अभी 3 बज रहे हैं और भाई आज तो मज़ा ही आ गया, सुबह पास्ता खाने को मिल गया, मतलब मैक्रोनी पास्ता दोनों मिक्स था, उसके बाद छोले कुलचे खाने को मिल गए और आज तो मज़ा ही आ गया, पता नहीं किस चीज़ की पार्टी दे रही है मम्मी, तो पेट अपना फुल तो भरे हुए है। अब मैं यार सो जाता हूँ थोड़ी देर, पता नहीं क्या बात है यार, दोपहर को इतनी गंदी नींद आती है मुझे, पता नहीं क्या ही सीन हो गया मेरे साथ, पिछले 1 हफ्ते से लगातार गाइस मैं लगातार सो रहा हूँ रोज़ दोपहर को, अभी 3 बजने में मतलब 15 मिनट है, अब मैं सोऊंगा और सीधा शाम को उठूँगा। तो यार अभी धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है, पीछे आप देख ही पा रहे हो कितनी तेज़ धूप हो रखी है, टेम्परेचर 45 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, इससे मैंने अभी चेक करा था, बहुत गर्मी है। तो फिलहाल मैं अंदर जाता हूँ सोता हूँ यार अच्छे से, मम्मी तो सो रही है, रमन टीवी देख रही है, मैं बाहर आके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और अब मैं भी जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं शाम को मिलूँगा आपसे डायरेक्ट। सो गाइस देखो बाहर कितनी गंदी वाली धूप हो रखी है, बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा, अंदर आराम से मम्मी अपना सो रही है और रमन अपना पता नहीं क्या कारनामे कर रही है कुछ, ऊपर अपना टीवी चल रहा है, और यार यहाँ पर मैं भी सो जाता हूँ और सीधा मैं आपसे शाम को मिलूँगा, नींद आ रही बहुत तेज। सो गाइस अभी बज रहे हैं फिलहाल 5:00 और पता नहीं क्या हो गया, रोज़ 3 बजे सोता हूँ और अपने आप 5 बजे आँख खुल जाती है, आज भी सोया था और अपने आप ही 5 बजे आँख खुल गई। और अभी फिलहाल मैं बाहर घूम रहा हूँ, बाहर सब बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, सब बच्चे ने प्रभी है, हरमन है, रमन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ देखो। सो गाइस ये खेल रहे सब लोग बाहर अपनी फुटबॉल और मुझे तो सुस्ती सी छाई हो यार, सो के आया हूँ अभी अभी, मैं पता नहीं क्या हो गया, पिछले जो ना लगातार 1 हफ्ता हो गया लगातार सो रहा हूँ मैं 3 से 5, पेपर खत्म हो गया, कल रिजल्ट है, पता नहीं कल क्या होगा गाइस, अगर कल के बाद ब्लॉग ना आया ना समझना रिजल्ट पे खा रहा है। सब लोग खेल रहे हैं गाइस अपना ये फुटबॉल आराम से। सो गाइस कल के बाद अगर 3-4 दिन ब्लॉग ना आया ना तो दोबारा बोल रहा हूँ, समझ आना मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। सो गाइस ये अपना मतलब ऐसे फुटबॉल खेल रहे हैं टाइम पास के लिए, इधर से बच्चे बॉल मारेंगे और इधर पर भी खड़ा रहेगा, उस खंभे के और इस खंभे के बीच में बॉल नहीं आनी चाहिए, उसे रोकना है। चलो ओ ये ओ भाई ये नहीं काटूंगा, ये तो लगनी, ये चीज़ तो लगनी, ये बॉल लगी भाई, ये तो चलो सही है, चलो खेलो खेलो सब खेलो गाइस, ये लोग तो टाइम पास कर रहे हैं ऐसे ही, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे खड़े खड़े, तो खेल नहीं रहे, बस एक बंदा खड़ा है, दूसरा बॉल मार रहा है, बॉल रोक रहे हैं, बस टाइम पास हो रहा है यहाँ तो। मैं सोच रहा हूँ यार मैं क्या करूँ, मैं बड़ा बोर सा हो रहा हूँ यार आज, कुछ करने को मन ही नहीं कर रहा गाइस आजकल, तो बल्लू को बुलाऊं, बल्लू भी घर पे नहीं होगा यार इस टाइम तो, गाइस कुछ करने का आज मन ही नहीं कर रहा, सो के उठाऊँ ना इसलिए मन नहीं कर रहा, अभी आलस सा आ रहा है बहुत गंदा वाला, अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, अब व्लॉग भी थोड़ा बहुत शूट कर रहा हूँ और उसके अलावा खेलने में तो ये पता नहीं टाइम पास कर रहे हैं सब, तो उसके अलावा मैं क्या ही करूँ अब। आज एक काम करता हूँ, आज नया वाला चश्मा पहनता हूँ यार, पुराने वाला चश्मा तो अपनी जगह ठीक है, नया वाला पहन के देखता हूँ कि उसमें व्लॉगिंग कैसी होगी। तो गाइस ये रहा अपना नया चश्मा, बड़ा अजीब सा लग रहा है यार इस चश्मे में, तो गाइस मैं बड़ा अजीब सा ही लग रहा हूँ, देखो बिल्कुल कार्टून सा, कोई ना यार थोड़ा सा कार्टून में हूँ, थोड़ा सा इस चश्मे से बन गया, कोई बात नहीं, ये जो ना प्लास्टिक वाला है इसमें ग्लास नहीं है, प्लास्टिक है तो रिफ्लेक्शन आ रही है, देखो आपको ग्लास में देखो रिफ्लेक्शन दिख रही होगी, तो मैं कह रहा था कि यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार ये वाला चश्मा मेरे ऊपर, लेकिन चलो सही है यार थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही है, क्योंकि वो वाला मेरा ग्लास का था, ये मेरा वो है प्लास्टिक है और फाइबर बोल सकते हैं, ये वो टूट जाता है यार, ये टूटता नहीं है, थोड़ा मजबूत होता है इसलिए मैंने ये वाला लगवा लिया, बट इसमें फिंगरप्रिंट बहुत जल्दी लगते हैं, तो यार मुझे कमेंट से बताओ कि हीरो लग रहा हूँ ना। थोड़ा जोकर ही लग रहा हूँ मुझे पता है, 50% जोकर मैं हूँ, 50% मैं इससे लग रहा हूँ, कोई बात नहीं थोड़ा सा सह लेंगे, लेकिन इसमें दिख बड़ा क्लियर रहा है, क्योंकि इसमें स्क्रैच आ गए थे ना, इसमें बिल्कुल नया नया, ये बड़ा सही दिख रहा है यार, इसमें तो थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन मेरे मुँह के हिसाब से ये,
वीडियो में बहुत बड़ा लग रहा है, रियलिटी में छोटा है। गाइस यार अपने पुराने चश्मे सही है, नया वाला यार बड़ा अजीब सा लग रहा है अभी, थोड़ा कुछ दिन लगेगा क्योंकि नया है ना, पुराने सही है। अपनी ब्लॉगिंग में उससे ही कर रहा हूँ, ये बड़ा कंफर्टेबल है, वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, बाद में होगा कंफर्टेबल टाइम के साथ साथ। हट पागल जूते पहनेगी तो पैर में गर्मी लगेगी, वो तो दिखाना तो पड़ेगा ही। मुझसे कह रही पैर में गर्मी लग रही, जूते उतार के मेरे मारा है इसने बहुत तेज। पापा आ रहे, इसने गाड़ी लॉक कर दी। मैंने खोल दी, इसने लॉक करी, मैंने खोल दी। हा मैं खाऊंगा, ओए मैं खाऊंगा, इसने पूरे 10 वाले गुड्डे खाए थे, चले मैं खाऊंगा। यार ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, मुझे खाना बिस्किट बनाऊंगा, बनाऊंगा, मुझे दे शांति से। इसने सुबह पूरा खाया था, कौन सा वाला दिखा तो है, कौन सा थोड़ा सा दे दे फिर, एक पीस से क्या होता है मेरा। दोपहर को पूरा का पूरा 10 वाला गुड्डे खाए थे जिसमें 6-7 पीस आते हैं, 7 है तो 3.5 मुझे दे, 3.5 तू ले। पर देखना एक ही पीस दे रही है, बड़ा है तो क्या, तूने सुबह पूरा बिस्किट खाया था। चल दो तो और दे, 3 तो दे दे। मम्मी देख रही हो कितनी हो रही है ये, 1 मुझे दिया और 6 खुद खा रही है, 2 मुझे दिया 4 खुद खा रही है। मैं तो बाहर हूँ, दो मुझे ये दिखाई, देखो लो यार इतना सा मिला था, वो भी नीचे गिर गया यार, 2 बिस्किट दिए थे बस, खुद खाते रहते, मुझे तो कुछ दिखाई देती नहीं है ये। पूरा बिस्किट एक साथ खा गया, भूख लग रही थी यार, क्या करे, अच्छे अच्छे इंसान को भूख कुछ भी कर दे आ देती है। भूकंप भूकंप, देखो क्या बच्चों की तरह नाश्ता जा रहा है ये भी, आए है। मैं ये कराऊंगा, मैं तो अपना मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, लो करो, मिला मिला साथी मेरे जैसा व्लॉगर, मिला मिला साथी मेरे जैसा जो ना आया वो व्लॉगर, ये नहीं आया मतलब ये व्लॉगर, मतलब इसकी होगी सेकंड, उसकी होगी थर्ड। लड़ झगड़ के एक और बिस्किट मिल गया आधा, इसे भी खाता हूँ, क्या बेशर्म की तरह खाता हूँ गाइस मैं। अभी अभी मैंने इन सबका भूकंप कराया दोस्तों का, अपना सबका, बच्चों का, फर्स्ट प्रभी की, सेकंड हरमन की, थर्ड उसकी है किरण की। ये गई पहली बॉल और पहली बॉल पे ही आउट। और ये दूसरी बॉल जाते हुए हरमन तुड़प तुड़प तुड़ता रहा रहा, ये गई बॉल और ये कैच करते करते रह गया हाथ। थर्ड बॉल, ओ शेट आउट होते हुए प्रभजोत सिंह, आउट होते हुए अंकुरेजी। ये गई अगली बॉल और ये मारा इन्होंने चौका का, दोका का, पहला का, जीरो। नहीं देख मैं बताता हूँ, चौका, चौका का आधा होता है दोका, दोका का आधा होता है एका, और एका का आधा होता है जीरो। नहीं एका का आधा आधा ही तो होता है, हाँ मतलब जीरो रन मारे इसने, छोड़ो क्या ही, अपनी मैच लगा रहा हूँ मैं भी। रन कराते हुए नेक्स्ट बॉल हुई और ये गया चौका, आह ये गया चौका। कैसा लग रहा है सर आपको चौका मारते हुए, एक्सक्यूज मी सर, आपको कैसा लग रहा है चौका मारते हुए? थोड़ा वो प्रो फीलिंग नहीं है ना बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, आप जैसे प्लेयर होते फिर। अरे हम प्लेयर नहीं, हम ब्लॉगर हैं, वी आर ब्लॉगर। आज क्या ही हो गया यार, मुझे कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। चलो जी हरमन करा रहा है दोबारा से अपनी बॉलिंग, नहीं किरण ही कराएगी, ओए मेरे मुंह पे ना लगे बॉल, और ये किरण कराएगी बॉलिंग, हरमन कर रहा है फील्डिंग। ये नेक्स्ट बॉल जाते हुए, ओ मैं बच गया, मैं कह रहा मेरे मुंह पे मारेगा बॉल, और इसी के साथ साथ ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पर ये मारी बोलो भाई 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 भाई, यहाँ पर ये मारी बोलो भाई 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 भाई, पट से हेडशॉट, बॉल मारी और खुद के सिर पे लगी। कल ब्लॉग में ये तो दिखाऊंगा जरूर, ये दिखाऊंगा, देखिए दो बार दिखाऊंगा, स्लो मो में दिखाऊंगा, जैसे मर्जी दिखाऊं तू देख लियो।
सो गाइस अभी तो सब बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और मैं शूट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, पर अभी सब बड़े बच्चों के साथ खड़े होकर बातें कर रहे हैं तो क्या ही शूट करना, उनके बातें थोड़ी चुग लिया थोड़ी बताऊंगा आपको। तो फिलहाल मैं तो इधर ऐसे ही घूम रहा था बल्लू के घर की साइड, बल्लू के घर की साइड यार इसलिए घूम रहा है क्योंकि मैं ग्राउंड में तो सब बच्चे खेल रहे हैं और घर पर जाता हूँ मैं। देखो रमन खेल रही थी, रमन की थोड़ी सी लड़ाई होगी बच्चों के साथ तो ये घर पर आ गई वापस। तो फिलहाल का अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और शाम को मैं थोड़ी देर खेला था, उसके बाद मैं गुरुद्वारे चले गए थे, फिर सेवा करी और अब आके मैंने खाना खाया। और गाइस इस वाले ब्लॉग को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दो, चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और मैं मिलूंगा आपसे और ऐसे अमेजिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय। गाइस देखो सुबह से तीसरी बार खा रही है मैक्रोनी, मैंने डांट दिया तो रोना शुरू कर दिया इसने। देखो मेरे के मार रही हो चुका है और ये मार रही इसने, बोल रही है क्या छक्का, ओए ओए मैं क्या बोला मैंने, ये क्या छक्का गले में पता नहीं क्या हो गया था, बहुत बिगड़ रहे हैं ना ना गले में कुछ हो गया था गाइस, हो गया गला सही, बिस्किट खाया था ना तो बिस्किट चिपक गया गले के अंदर।